कैसा मार्केट चल रहा है अभी? मार्केट तो ऑड इवन के चक्कर में और कोरोना के चक्कर में मार्केट खत्म हो गया। ग्राहक ही नहीं है, बोनी बट्टे नहीं हो रहे सर, एक दो पीस बेच रहे हैं, इससे तो अच्छा काम ही नहीं हो रहा अभी। सारी शॉप्स खोल देनी चाहिए ताकि इनका भी प्रॉफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो आने में। अगर आपको जो है सैटरडे संडे बंद भी करना है तो बाकी जो है ऑड इवन हटा दो। सॉक्स बेचने वाले हैं? नहीं मैं तो खरीदने वाला हूँ। अच्छा, आप खरीदने वाले? हाँ, वो तुम्हारे आप लोगों के चक्कर में शायद आगे बढ़ गए, खरीदे तो नहीं। अच्छा, वो पैसे नहीं लेंगे? अल्लाह बेहतर जाने। मार्केट अभी कैसा लग रहा है? ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम भी है, कोविड-19 है इसलिए। कोरोना जो फैला रहे हैं वो सारे शॉपकीपर सारी कोरोना फैला रहे हैं। नाखे जो है ये 100% कैपेसिटी, रेस्टोरेंट जो चल रहा है वो 50% कैपेसिटी में चल रहे हैं, उन पर कुछ वो नहीं है। शॉपकीपर जो है खाली यही कोरोना फैला रहे हैं, मार्केट पूरी सन्नाटे में आ चुकी है। यहाँ पर जितनी जगह इलेक्शन कर रहे हैं और जहाँ पे लोग पब्लिक लाखों के अंदर इकट्ठे हो रही है वहाँ कोरोना नहीं है। मेन जो हमारे जो सैटरडे संडे होते थे काम के दिन होते थे उसमें मार्केट क्लोज हो गई। अब ऑनलाइन की पढ़ाई में और वैसे फिजिकली जो जाकर के हम लोग पढ़ाई करते थे उनमें कितने का बड़ा डिफरेंस आप नज़र डाल रहे हैं? कितने बड़ा डिफरेंस है? ऑनलाइन में तो ये होता है ना कि कोई ढंग से पढ़ता ही नहीं, सारे मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, बाकी फ़ोन चला रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं। सर, कितना प्रभाव कोरोना ने डाला है, गाइडलाइंस जो नए सरकार ने जारी किए हैं उसको लेकर? सर आप देख रहे हो सब कुछ तो बर्बाद पड़ा हुआ है, किराए तक नहीं निकल रहे हैं। कि जब हमारा कारोबार यहाँ इतनी भीड़ होती थी बहुत, आज कुछ भी नहीं है। और उस कुछ ना होने की वजह से लोग वाकई में मकान का किराया नहीं दे पाएंगे, फिर दिल्ली से पलायन शुरू हो जाएगा। नमस्कार, बोले भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक तिवारी। अभी हम लोग दिल्ली के जनपद मार्केट में हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस के मद्देनज़र आप देख सकते हैं ये मेन डोर एंट्री है और यहीं से अंदर की तरफ मार्केट हो है पूरा। और मार्केट में किस प्रकार से अभी भीड़ है, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कैसे लोग शॉपिंग कर पा रहे हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है। खास बात तो यह है कि जब से कोरोना गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके आधार पर एक दुकानें ऑड इवन के तर्ज पर खोले जा रहे हैं, एक खोले जा रहे हैं तो दूसरे बंद कर दिए जा रहे हैं। अगर किसी भी इलाके पर अगर आपको हम नज़र डालें तो वहाँ पर आपको जो ये अभी फ़िलहाल के जो मौजूदा हालात है इसके अनुसार जो आपको भीड़ नज़र आएगी वे बेहद ही कम भीड़ नज़र आएगी, क्योंकि जनपद में अक्सर इससे ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। और लोगों को शॉपिंग करने में क्या दिक्कतें आ रही है, ख़ासतौर पर कितनी की जनसंख्या है, अंदर हम आपको बात करेंगे, दुकान वालों से भी बात करेंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिजनेस इनका कैसा चल रहा है। क्योंकि व्यापारियों को लेकर के भी पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, सरकार को उससे भी देखते हुए निर्देश देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कोरोना 2 सालों से हमें प्रभावित करते रहा है, अगर तीसरा साल भी अगर इसी तरीके से प्रभावित करेगा तो क्या असर पड़ेंगे बाज़ार पर। आइए अंदर चलते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं अंदर की खबर क्या है। हमारे साथ यहाँ के जनपद के कुछ मौजूदा दुकानदार हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार बिजनेस कैसा चल रहा है। बिजनेस तो खत्म, बंद हो गया बिल्कुल बिजनेस, और एक तो ऑड इवन लगा दिया, दूसरा वीकली कर्फ्यू लगा दिया, तो शॉप्स ओपन तो ना ओपन सेम हो गया। हालात कैसे बन रहे हैं? हालात तो नहीं खराब हो रहे हैं, बीमारी का तो हालात खराब है लेकिन बिजनेस का हालात भी खराब हो रहे हैं। लेकिन पब्लिक भी कुछ नजर आ रही है? पब्लिक नजर आ रही है लेकिन कस्टमर नहीं है, व्यापार में दम नहीं है, व्यापार में दम नहीं। आइए और भी लोग हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये सिंगार की दुकानें हैं? सिंगार की नहीं, हैंडीक्राफ्ट का है। हैंडीक्राफ्ट घर सजा सकते हैं। हाँ, कैसा मार्केट चल रहा है अभी? मार्केट तो ऑड इवन के चक्कर में और कोरोना के चक्कर में मार्केट खत्म हो गया। कोरोना अगर मामले अगर बढ़ रहे हैं, सरकार ने लगाए हैं, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस फैसले को क्या देखें, या तो ऑड इवन कर लें या फिर वीकेंड कर्फ्यू कर लें, दोनों में से एक कर रहे हैं ना। अब वीकेंड कर्फ्यू में 2 हफ्ते में 2 दिन दुकान खुलेगी, कभी 3 दिन दुकान खुलेगी, इससे लेबर होती है, लेबर तो अपने गाँव भाग जाएगी तो दुकानदार क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी इससे। व्यापार मंदा अभी चल रहा है? बहुत मंदा चल रहा है। क्या करना चाहिए सरकार? सब चीज़ ठीक है, सरकार अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही पड़ेगा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और प्रोटोकॉल। लेकिन इससे अब लेबर तो रुकती नहीं है ना, क्योंकि वो तो डेली वेजेज हैं,
उनको तो अपने उनको लॉकडाउन का डर सता रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचें जिससे कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, जैसे पिछली बार हुआ था कि जैसे वीकेंड कर्फ्यू लगा था और मंडे को एकदम से लॉकडाउन का वो हो गया था अनाउंसमेंट, तो इसमें सेम इस बार यही है। थोड़ा और सरकार को समय लेने की ज़रूरत है। आइए इधर और भी लोग हैं जिनसे हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा मार्केट, कैसा है मार्केट? ठंडी है, माहौल बिल्कुल ठंडा। कोरोना गाइडलाइन नए सिरे से जारी किए गए हैं, क्या जरूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मार्केट में? आई थिंक जितनी रिक्वायर्ड है नेसेसिटी है वो मिल रही है, बट रेस्ट आई कांट अश्योर कि जो चीज़ों की जैसे मुझे रिक्वायर्ड थी कि इस शॉप में मुझे जाना था विच इज़ क्लोज, अनफॉर्चुनेटली आई कम डाउन टूडे और मुझे पता नहीं था कि ये वाली दुकान इस दिन बंद होगी, सो इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। और बाकी बहुत से लोग हैं जो कौन सा काम करना चाहिए, ऑड इवन को ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, 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 ऑड इवन तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी असुविधा हो लेकिन सरकार बचाए। जी काम यही करना चाहिए जी, ऑड इवन तो ख़त्म नहीं करना चाहिए। और नियमों में क्या बदलाव चाहिए? हम तो चाहते हैं सब दुनिया ऐसे सैनिटाइज़र यूज़ करे और मास्क को कभी मत हटाने दीजिए, इसको तो रहना ही चाहिए अगर हम अपनी जान को बचाएंगे तो। बाकी सब ठीक है, सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार हमें भी ये पालन करना होगा और ये कोशिश करना होगा कि सारी चीज़ें। कैसे कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया। अभी ऑड इवन के तहत दुकानें खुली हैं, क्या खरीदारी करने में कोई दिक्कत? नहीं सही चल रहा है। करने में कोई दिक्कत क्या, जैसे पहले भीड़ आती थी वैसे आ रही है क्या? सर बिलगड़ाए की नहीं है सर, बोनी बट्टे नहीं हो रही है। सब कहां से करेंगे? क्या चीज़? ग्राहक ही नहीं है, बोनी बट्टे नहीं हो रहे सर, एक दो पीस बेच रहे हैं, इससे तो अच्छा काम ही नहीं हो रहा बिल्कुल सर। इससे अच्छा बंदी कर दो, बंदी कर दो। अच्छा अच्छा, और क्या सर, काम ही तो है, ओडी वन तो है ही, ऐसे ग्राहक ही नहीं आ रहा बिल्कुल। हम लोगों को भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, इतना सही नहीं लग रहा हम लोगों को भी, मतलब सोशल विकल्प कम है। हाँ सोशल डिस्टेंसिंग में सारी दुकानें खोल देनी चाहिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पॉसिबल तो तभी होगा जब एक के बाजू वाला दूसरा बंद रहेगा? नहीं ऐसा नहीं है, वो तो हमारे ऊपर है कि हम लोगों को कैसे ठीक कर रखना है। बाकी आप लोगों को सारी शॉप्स खोल देनी चाहिए ताकि इनका भी प्रॉफिट हो और हमें भी बेनिफिट हो आने में। जब सारी दुकानें खोल दी जाएंगे तो सारे लोग घर से बाहर आएंगे जिनको जरूरियात चीज़ें खरीदनी होंगी, फिर मार्केट में वैसे ही भीड़ बढ़ जाएंगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग हम लोगों को बताइए ना कुछ कहना। वो तो वैसे भी बढ़ी रही है हर जगह, वो तो वैसे भी बढ़ी रही है हर जगह, रोड पे बंदा नहीं चल रहा, कहाँ बंदा नहीं चल रहा, हम तो खुला बोल रहे हैं। आप बताओ ना, बस में भीड़ नहीं बढ़ रही? बस में चालू कर दिया सबको 50% से 100% हो गया, तब भीड़ भी तो बढ़ रही है। मेट्रो में 100% है। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार लोग नहीं चल पा रहे? नहीं चल पा रहे, नहीं चल रहे हैं। सरकार को क्या और सख्ती से लागू कराना चाहिए? बिल्कुल, अगर व्यापार का क्या होगा? व्यापार का तो वैसे ही है, व्यापार का तो वैसे ही नुकसान हो रहा है। अगर सब कुछ सालों से हमें कोरोना पहले से ही प्रभावित करते रहा है, इस बार भी अगर कर दिया तो फिर क्या होगा? जैसे बहुत ज़्यादा इनको भी दिक्कत हो रही है और हम भी हमारे हम देखते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी बहुत ज़्यादा मुश्किल में, या तो प्रॉपर ही मेंटेन करो या तो प्रॉपर ही बंद। दुकानदार हैं आप, हमें ये बताइए कि आखिरकार सरकार क्या करे तो करे क्या? सरकार हमारी सबकी बातें सुने पहले तो, ठीक है फिर उस पर विचार हो। क्या बातें हैं, बातें बताइए। सरकार नहीं सुनेगी ना, हम बोल देंगे तब भी कोई फायदा नहीं। हमारी कोशिश तो एक हो सकती है ना, देखिए माध्यम तो यही है। अब ऑड इवन कर दिया, ठीक है सैटरडे संडे वैसे ही बंद कर दिया, तो उसमें आप ये देखिए ना कि ऑड इवन में भी हफ्ते में दुकान खुलेगी सर, दो दिन में क्या कर, दो दिन में आओ ना तो उस दिन में से भी दो दिन दुकान खुलेगी। वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया जाए, ऑड इवन के तहत चलाया जाए? बिल्कुल, ये मांग है। बिल्कुल, अगर आपको जो है सैटरडे संडे बंद भी करना है तो बाकी जो है ऑड इवन हटा दो, सैटरडे संडे बंद कर दो, कोई नहीं बाकी ऑड इवन तो हटाए कम से कम। किधर गए लोग भाई? वो तो चले ही गए, बेचने वाले हैं? नहीं मैं तो खरीदने वाला हूँ। अच्छा आप खरीदने वाले? हाँ वो तुम्हारे आप लोगों के चक्कर में शायद आगे बढ़ गए, खरीदे तो नहीं? अच्छा वो पैसे नहीं लेंगे? अल्लाह बेहतर जाने। लगता है मीडिया वालों से कोई खफा ये नाराजगी हो सकती है, कुछ प्रोटोकॉल के अनुसार चीज़ें नहीं हो पा रही होंगी इसलिए भी ये लोग थोड़ा हमसे साइड होना चाह रहे थे। और भी लोगों से हाँ तो बराबर दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, देख के डिस्टेंस उन्होंने बना लिया। चलिए और भी लोगों से हम लोग जुड़ने की कोशिश। कैसे हैं मैडम आप? कैसा कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक, हिंदी आती है? हाँ थोड़ा थोड़ा। अच्छा मार्केट अभी कैसा लग रहा है? ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम भी है, कोविड-19 है इसलिए। कोविड-19 है इसलिए? हाँ थोड़ा। क्या प्रॉब्लम है? लाइक डिस्टेंस थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो सरकार ने नियम तो बनाए हैं, नियम के अनुसार ही मार्केट खुल रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, कल से बंद है ना। अच्छा हाँ इसलिए थोड़ा तो ऐसा हो जाएगा। हाँ बंद है, विकल्प कम है इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना। हाँ जी हाँ जी। कहिए ना आप अपनी बातें रखिए, कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है?
नहीं, मैंने आपको इसलिए बुलाया, यहाँ पर देखें मार्केट में भी जो है देखें सारा सन्नाटा हो गया है। सरकार ने भी जो है 100% कैपेसिटी पे मेट्रो चला दी, 100% कैपेसिटी पे जो है बसेस चला दी हैं, हैं है क्या नहीं, लेकिन जो है बस ये दो शॉपकीपर्स जो हैं ये मेट्रो और बस को लेकर के एक निर्देश ये भी है कि आप खड़ा होकर के उसमें सफर नहीं कर सकते। आपने देखा मेट्रो में, आपने सुने, आपने 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 जाके देखा, आपने जाकर देखा मेट्रो में, मेट्रो पूरी खड़े होकर भी और भी जो है सब जगह पूरी फुल कैपेसिटी में चल रही है, वहाँ पे कोई कोरोना नहीं फैलेगा। देखा, बिल्कुल देखा मैंने, इसलिए मैंने आपसे बोला। बिल्कुल यही बात है ना, सरकार तक हम बुलाए तो आपकी बात, मैंने आपके माध्यम से सरकार तक मेरी बात पहुंचेगी ना, इसलिए तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, कोरोना जो फैला रहे हैं वो सारे शॉपकीपर सारी कोरोना फैला रहे हैं, बाकी जो है ये 100% कैपेसिटी रेस्टोरेंट जो चल रहा है वो 50% कैपेसिटी में चल रहे हैं, उन पर कुछ वो नहीं है, शॉपकीपर जो है खाली यही कोरोना फैला रहे हैं, मार्केट पूरी सन्नाटे में आ चुकी है यहाँ पर। क्या चाचा जी, वो उनसे बोलो, अभी कुछ बोल रहे थे नहीं उनको हिचक है, आप अपनी अपनी आपकी बातें वो थोड़ी बताएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो ये जो जितनी जगह इलेक्शन कर रहे हैं और जहाँ पे ये लोग पब्लिक लाखों के अंदर इकट्ठे हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं है, खाली कोरोना मार्केट के अंदर है, ये बताइए। कोरोना तो हर जगह है। नहीं, वहाँ नहीं है, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं या जहाँ पे मीटिंग के पास पावर है चाचा जी, इसलिए हो सकता है कोरोना भी डरता हो, तो गरीब आदमी को मिला रखा है बस खाली। देखिए, गरीब आदमी के पास पावर होता है क्या? ये एक बयान था और ये सरकार को लेकर के ही है, आगे भी रहेगा। आइए और भी लोगों से, हम कैसे हैं आप? बेकार हूँ, दूर रहूँगा। बेकार हैं ये, जाने दीजिए, कोई बात नहीं इनसे। ये तमाम देखिए, ये शॉपिंग हो गई आप? अभी नहीं, चल रही है। इनके इनके भी क्राइटेरिया बनाए गए हैं अलग अलग, दुकानों की ये क्राइटेरिया है, ये अपने दुकानों के पास में ये कवरेज भी नहीं करने देते हैं लोग। ये हंस गारमेंट्स की ये दुकानें हैं और यहाँ से वहाँ तक इनके इनके एरिया से थोड़ा हम लोगों को अलग अलग होकर के काम करना पड़ेगा। ये अलग अलग प्रभाव है, ये प्रभाव क्षेत्र है, आप इनकी बातें मानेंगे तभी इधर कवरेज भी हो पाएंगे। खास तौर पर सरकार के गाइडलाइंस का हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार क्या दुकानें खुली हैं, ऑडिबेन के अनुरूप क्या दुकानें चल रही हैं, कैसी हैं आप? शॉपिंग हो गई? दिक्कत भी आई शॉपिंग करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो क्या ऑडिबेन के तहत जैसे नियम कानून बनाए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, वैसे चलते रहने देना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इतनी भीड़ नहीं हो रही है तो आराम से हो जा रहा है और डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो रही है, इसलिए मतलब जनहित में है फैसले। हाँ चलिए, आइए और भी आगे हम लेकर के चलते हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल ये छोटे छोटे बच्चे लेकर के आप लोग मार्केट आए हैं? भाई टाइम नहीं मिला, ले आए घुमाने के लिए, कपड़े भी लेने सर्दी के लिए, शॉपिंग के लिए। लेकिन कोरोना भी है, बचाव भी करना है। कोरोना तो है, मास्क के साथ में ही है, बस ये नहीं लगाता छोटा बच्चा है। कहाँ है मास्क? लगा लो भाई, कहाँ है आपका? मम्मी ने नहीं दी? मम्मी ने नहीं दिया? फेंक दिया इसने उतार के ना, फेंक दिया। ये जो छोटे छोटे बच्चों के साथ आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप इससे जरूर बचे। छोटे छोटे बच्चे लेकर के अगर आप घर से बाहर ऐसे ही आते जाते रहेंगे तो माहौल आपके अनुकूल नहीं बन पाएगा। और ख़ास तौर पर ये देखिए, ये तमाम जो दुकानें हैं इन दुकानों पर अभी भी ग्राहक आपको नज़र आ रहे होंगे, अभी भी खरीदारी ये चल ही रही है। ऑड इवन के तहत ये नियम बनाए गए हैं और तमाम उन्हीं नियमों का पालन करते हुए खरीदारी हो रही है। मैडम, खरीदारी करने में कोई दिक्कत भी हो रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम। ऑड इवन नियम बनाए गए हैं, कोरोना को लेकर के तमाम गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, इसके अनुरूप पूछ रहा था मैं। वैसे तो सारा ही शॉप खुला हुआ है यहाँ, बट ठीक है, प्रिकॉशनरी हम लोग अपना यूज कर रहे हैं, मास्क एंड सैनिटाइजर वो सब। सरकार का नियमों का पालन कितने बेहतर ढंग से हो पा रहा है दिल्ली में? भीड़ देख के तो लग रहा है कि ठीक ही है, मतलब इतना क्राउड नहीं है जितना यहाँ रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। आप दुकानदार हैं? हाँ जी। बिजनेस में भी कमी आई है? बिजनेस में बिल्कुल कमी आई है सर, मेन जो हमारे जो सैटरडे संडे होते थे काम के दिन होते थे उसमें मार्केट क्लोज हो गई अब, और उसके अलावा भी हमें एक इवन ऑर्डर का भी करना पड़ रहा है कि दो दिन तो रहेगी, सैटरडे संडे तो रहेगी, उसके अलावा भी आप इवन ऑर्डर भी करें तो उसमें मेन। और दूसरा नंबर क्या, जैसे बताते हैं कि इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं तो लोग पब्लिक अब कम निकलनी शुरू हो गई है, वैसे तो बाकी काम में बहुत फर्क पड़ रहा है सर। मतलब सात में से दो पहले ही घटा दीजिए, पांच बचे उसमें ऑड इवन कर दीजिए, मतलब हफ्ते में कोई दुकानदार दो दिन दुकान खोलेगा और कोई दुकानदार तीन दिन खोलेगा, बस ये इसमें लो दो दिन। दुकानदारों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है और जिस प्रकार से पहले से ही बाजार गिरा हुआ है, पहले की अगर कोरोना गाइडलाइंस को अगर देख लें, कोरोना काल को देख लें हम तो एक बार बाजार फिर गिरने की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्या ये ठीक है? नहीं भाई साहब, एक दिन खुलता है एक दिन बंद होता है तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज खोलने दिया जाए तो फिर बाजारों में उसी अनुपात में भीड़ भी बढ़ने लग जाएंगे। अच्छा मैं कुछ कहूँ तो जहाँ पे रैली हो रही है वहाँ कोरोना नहीं आता क्या? आता तो है। बस फिर कोरोना तो विस्फोट हो रहा है। बस ये भी तो सोचना चाहिए ना उनको, यहाँ पे अगर दुकानदार अगर नहीं खोलेंगे तो जो काम करने वाले कहाँ जाएंगे मजदूर लोग?
सबके रोटी रोजी चलनी चाहिए ना। बिल्कुल चल रही, ये सोचेगा कौन, सरकार ही सोचेगी। इस सरकार को सोचना, हम थोड़ी सोचेंगे इसमें, हम तो सोचेंगे तो वो करने नहीं देंगे ना। बस सोचने का तो सोच ले, बस बस सोचने में क्या जाता है सर, गलत बोले हैं। सोचने का तो हम अपने फायदे के लिए कुछ भी सोच ले। सही बोला, लेकिन करने दें या ना उस पर फर्क है ना। हाँ सही कह रहे हैं हम। हाँ सही कह रहे हैं। बाजार की स्थिति क्या है? बाजार की स्थिति भी एकदम खराब है, इस टाइम डाउन चलती जा रही है। कोरोना का बड़ी बड़ी मुश्किल में। हाँ कोरोना बढ़ता जा रहा है तो कस्टमर कहाँ से आएगा। देखिए दुकानदार बड़े ही मुश्किल में लोग लग रहे हैं, और ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिरकार ये मुश्किलात कब तक चलेंगे, क्योंकि ये अभी कोरोना के नए दौर है, नए सिरे से हम लोगों को चलने के लिए एक बार फिर से हमें तैयार होना। कहाँ से आ रहे हैं आप सब? हम यहीं से, पीछे से। पीछे से क्या है ये सब? सामान है बस, खरीद के अभी जा रहे हैं। इतनी जगह बाहर जा रहे हैं, कोरोना काफ़ी हो गया ना इसलिए। क्यों जा रहे हैं, क्या करते थे आप? हम यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वैसे तो। स्टूडेंट? क्या कहाँ पढ़ाई करते थे? यहाँ पे नॉर्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ कराने वाले हैं वैसे, पंजाब से हैं। पंजाब से? तो घर वापस क्यों जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो? बस तो यहाँ भी हो सकती है। नहीं कोरोना का खतरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल चुका है ना कोरोना, तो उस वजह से घर वाले भी डर रहे हैं कि वापस आ रहे हो, क्या फ़ायदा यहाँ पे रहने का। कॉलेज वगैरह भी बंद हो चुके हैं। अब दो बार कोरोना हमें ऑलरेडी प्रभावित कर चुका है, क्या लगता है तीसरी बार करेगा तो पढ़ाई पर कितना असर डालेगा, कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? नहीं अब देख ही रहे हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह चल रहे हैं, बट लग तो नहीं रहा कि उनका कोई फ़ायदा हो रहा है इतना। ऐसा सच एग्ज़ाम्स वगैरह भी ढंग से कंडक्ट तो होते नहीं ऑनलाइन में, तो आपको भी पता ही होगा। तो बस ठीक है, अब करना पड़ रहा है तो कर ही रहे हैं। और कोई आर्थिक परेशानियां फैमिली की? नहीं वो तो ठीक है अभी, ऐसा सच इतना कुछ है। कोरोना में अब भी संभाला जा सकता है घर परिवार? डिपेंड करते हैं, ये भी जैसे थोड़े जो यहाँ की मार्केट्स वगैरह हैं वो तो कोविड में आराम से बंद हो ही जाएंगी। हमारा क्या बिजनेस वगैरह वो तो चलता रहता है। फिर भी स्टूडेंट हैं लगभग हम लोग दोनों आदमी, एक ही उम्र बराबर के हैं, क्या लगता है ये दो बार कोरोना आया, दोनों बार ऑनलाइन क्लासेस चलाए गए, ऑनलाइन की पढ़ाई में और वैसे फिजिकली जो जाकर के हम लोग पढ़ाई करते थे उनमें कितने का बड़ा डिफरेंस आप नज़र डाल रहे हैं, कितने बड़ा डिफरेंस है? ऑनलाइन में तो ये होता है ना कि कोई ढंग से पढ़ता ही नहीं, सारे मतलब ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, बाकी फ़ोन चला रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं। लेकिन जब फिजिकल क्लास होती है तो ये तो होता है कि हाँ सीरियसली पढ़ना पड़ता है, और मतलब फिजिकल प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। डिफरेंस तो है, पढ़ने में मज़ा नहीं आता होगा? पढ़ने में भी मज़ा, तैयारी करनी आती। बी कॉम ही चल रही है यहाँ पे, बट सीरियसनेस नहीं आती, वो बात है नहीं। जब ऑनलाइन ही पढ़ना है तो दिल्ली में क्यों, घर से भी पढ़ सकते हैं। पंजाब में कहाँ से हैं? लुधियाना से। चुनाव भी होने वाले हैं? हाँ अभी तो हैं 2-3 महीने, देखो क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टर हो सकता है पंजाब का जैसे ही हालात चल रहे हैं? आप स्टूडेंट हैं इसलिए चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही लगता है कि आप ही जीतेगी। आप, आपका है खास जनता। अभी चंडीगढ़ में भी जीती है जैसे, तो लग तो रहा है कि हाँ पूरे पंजाब में भी कर सकती है। अच्छा जो पंजाब में मोदी जी के साथ जो कुछ हुआ उसको आप कैसे देखते हैं, आपके समझ में क्या आता है? आप एक युवा हैं, ज़्यादातर आप अपडेट भी रहते हैं। है तो देखो गलती, क्योंकि मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं आफ्टर ऑल, जो भी हुआ गलती हुआ, कि मतलब कह सकते हैं जैसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व थी, वो तो हमें भी नहीं पता कि कितनी बात है क्या नहीं है। बट के बारे में ज़्यादा नहीं, प्रोटेस्टर्स को तो हटाया जा सकता था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी इनके लिए, पंजाब गवर्नमेंट के लिए। जैसे पुलिस वालों ने भी एश्योरेंस दी थी कि हाँ सारे रास्ते क्लियर हैं, तो वो मुझे लगता है कि लैक ऑफ सिक्योरिटी मतलब सारा कुछ गलत हुआ है, कुछ ना कुछ गलत ही हुआ है, गलत ही हुआ है। चलिए कब तक ये पंजाब सरकार सुधरेगी, फिलहाल हम आते हैं एक बार फिर से कोरोना मामले को लेकर के, एक बार आइए इधर की हम आपको सर्वे करके दिखा देना चाहते हैं कि यही वो जनपद का इलाका है, यही वो जगह है जहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार व्यापारी समूह क्या सोचते हैं और कैसे इनकी रोजमर्रा अब चलेगी। सर कितना प्रभाव कोरोना ने डाला है, गाइडलाइंस जो नए सरकार ने जारी किए हैं उसको लेकर? सर आप देख रहे हो सब कुछ तो बर्बाद पड़ा हुआ है, किराए तक नहीं निकल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे, लड़कों की सैलरी नहीं शाम तक निकलती, सब कुछ खत्म है हमारा, तो बाजार मंदा हो गया है बहुत ज़्यादा जी। सरकार को आखिर कर क्या करना चाहिए, एक तरफ कोरोना से बचाव के लिए तो गाइडलाइंस बनाए जा रहे हैं, अब दूसरी तरफ क्या आप ऐसा पहलू? कोरोना से गाइडलाइंस तो यहीं के लिए बनती हैं, व्यापारी वर्ग के लिए या मार्केट के लिए, जो यूपी में इतनी रैलियां होती हैं बिना मास्क के लोग घूमते हैं, वहां के लिए कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती है, सरकार की क्या आंखें बंद हैं? जो हमारे क्वेश्चन होती है सरकार जवाब दे या ना दे, सर बात वही बात आ जाती है ना जी कि जो पब्लिक है उसको तो मार पड़ जाती है, जो नेता उनके ऊपर कुछ होता नहीं है, उनका काम रुकता नहीं है, उनका काम रुकता नहीं है, पब्लिक जो शाम को अपने मेहनत मजदूरी करके खाती है उसको अपने खाने के भी लाले पड़े हुए। सर
अगर बाजार ऐसे ही प्रभावित होता रहा तो आने वाले दिनों में सरकार पर भी बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा, बड़े प्रभाव डालेंगे। कुछ नहीं ऐसा सर हमें लगता है, लेकिन ये है कि जो गरीब तबका है ना वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा लास्ट ईयर की तरह। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते सर। बताइए ना, ये बहुत एक विचित्र बात है, हालांकि कोरोना सच में पूरा एकदम तबाह कर रहा है। जी मेरे को तो लगता नहीं है कि ऐसा तबाह कर रहा है, बस कोरोना की वजह से बस मार्केट दिहाड़ी वालों को नुकसान हो रहा है। अब सैटरडे संडे कर्फ्यू है और ऑड इवन से मार्केट खुल रही है। अब एक हफ्ते में दो दिन हमारी दुकान शॉप खुलेगी तो हमें 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है, दो दिन के 800 रुपये हो गए, तो 800 रुपये में हम 7 दिन खा पी लेंगे। हमारे भी बच्चे हैं, सब है, सब चीज़ है, घर में अकेला को कमाने वाला तो कैसे कमाएगा, करेगा एडजस्ट 800 रुपये में एक हफ्ते। ज़्यादा कर ये लोग सब बाहर के हैं, इन्होंने किराए पर रहते हैं यहाँ पर, इनके किराए बड़े मकान मालिक निकाल के बाहर करेगा इनको, जब इनके किराए नहीं देंगे तो मकान मालिक कहाँ तक बर्दाश्त करेगा इनको, यहाँ से इनकम होगी नहीं, वहाँ बर्दाश्त करेगा नहीं, कहाँ जाएंगे, सड़क पे आएंगे ये लोग, ये चीज लगभग। हाँ बताइए बताइए सर। मैं प्रेसिडेंट हूँ इस मार्केट एसोसिएशन का, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान है। आप बताइए मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना ने कितना बड़ा व्यापारी समूहों पर प्रभाव डाला है। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे लिए तो सारा ही प्रभाव डाल दिया है, क्योंकि जो इन्होंने बताई भाई साहब ने बात, कि जब हमारा कारोबार यहाँ इतनी भीड़ होती थी बहुत, आज कुछ भी नहीं है, और उस कुछ ना होने की वजह से लोग वाकई में मकान का किराया नहीं दे पाएंगे, फिर दिल्ली से पलायन शुरू हो जाएगा, जैसे पिछली उसमें कोरोना टाइम में हुआ था वो हो जाएगा। अब इन्होंने दो दिन का ये अलग कर दिया, कल और परसों का, तो जैसे ये 5 दिन क्या माम ये सब फुल मार्केट को खोल के रखें तो शायद हमें कुछ राहत मिल जाए। तो 5 दिन दुकान तो कम से कम हमारी खुलनी चाहिए सब लोगों की, और नहीं तो सारे लोग फिर भूखे मरने पर नौबत आ जाएगी। मतलब आपका यह है कि वीकेंड कर्फ्यू भले ही सरकार लागू रखे, ऑड इवन वाले फार्मूले को खत्म कर दे। जी ऑड इवन वाले को की पाबंदियां ज्यों के त्यों लगाए रखे, ताकि मार्केट में उस अनुपात में भीड़ ना हो जैसे पहले होता था। बस 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 ये चाहते हैं हम सब, जैसे हम अब मास्क लगा रहे हैं वैसे हमारे सारे वर्कर्स और सब दुकानदार, और हम ये चाहते हैं कि हम तो उनको भी ये कहते हैं कि उसको माल मत दो जो मास्क नहीं लगाया हुआ है। हम सबको मास्क लगाने का मामला है हमारा, तो बस 5 दिन का कम से कम सब वो व्यापारियों को मार्केट खोलने की अनुमति, व्यापार भी चले चले। हाँ सरकार इसे कमा सकें, जिससे क्या रोजी रोटी कमा जाए। और क्या सुविधाएं हैं? कोई सुविधा नहीं, अभी तो कोई सुविधा है दे नहीं रखी इन्होंने। मैं यही हमारी सुविधा का यही मामला होगा कि 5 दिन इसको खोल कर रखें तो हमारे लिए कुछ तो रिलीफ होगा। जो लोग गांव को भागने के चक्कर में हैं, व्यापार बिल्कुल ठप गया, उसे कुछ थोड़ा सा बचा जा सकता है अगर सरकार इस मामले को डील करे सही ढंग से, कि वो 5 दिन, जैसे 2 दिन का इन्होंने कर्फ्यू लगाया शनिवार संडे का, उसका तो रविवार कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, और बाद बाकी ऑड इवन के साथ खुलेंगे। हाँ तो सब ये मैं ये सोच रहा हूँ, फिर उससे अब उसमें भी गड़बड़ आ जाएगी, जिसकी आज बंद है वो कल खोलेगा, वो बंद रहेगी फिर परसों बंद रहेगी फिर सोमवार में, अब जिसकी वजह से हमारी तो हमारा तो कई दिन बाद नंबर आएगा। अब इस हिसाब से सब लोगों का मामला होगा तो उनके बच्चे रोटियां कहाँ से खाएंगे, उनके सब्जी या दूध पानी कहाँ से आएगा। ये सरकार को थोड़ा सा विचार विमर्श करके फिर से नियम कानून बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार के तरफ से जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार किसी दुकानों को 2 दिन खोलने की अनुमति है, और कोई कोई दुकानें हैं जो 3 दिन सप्ताह में खुल सकती हैं। एक तरफ वीकेंड कर्फ्यू, लोगों का मानना है कि खास तौर पर जो जनपद इलाके हैं, यहाँ से पहले हमने रोहिणी से, लाजपत नगर से, मंडी से, तमाम जगहों से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है, और ये बताने की कोशिश की है कि कोरोना को हम आगे आने वाले दिनों में कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। आखिरकार सरकार के द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन एक आम आदमी के निजी जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकता है, ये तमाम मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में एक ही बात है कि वीकेंड कर्फ्यू भले ही सरकार लागू रखे, ऑड इवन नियमों को हटा दे, दुकानें 5 दिन सप्ताह में खुलने का मौका दे, साथ ही साथ आम लोगों के ऊपर जो पहले से पाबंदियां लगाई गई हैं वो पाबंदियां ज्यों का त्यों लगाए रखे, ताकि ज़्यादा मार्केट में भीड़ ना हो। लेकिन हाँ, रोजी रोटी का सवाल है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, दिल्ली में बहुत सारे लोग बाहर से आकर के काम करते हैं, और ऐसे में अगर जिस प्रकार से अभी नियम कानून बनाए गए हैं इसके अनुरूप अगर लोग चलने लगेंगे तो आने वाले दिनों में लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वजह मात्र और मात्र व्यापार, उनकी कमाई, उनका इनकम। क्या कुछ दिक्कतें भी आई नहीं कोरोना की वजह से? नहीं, नहीं।
दिक्कत नहीं आई? मार्केट कम खुले हैं, बाजारे लगाने के लिए लोग बोल रहे हैं, वो हम लोग लगाए हुए हैं। लोग बोल रहे हैं कोरोना, बोल रहे हैं कोरोना, बोल रहे हैं दुकान वाले, पूरे सरकार बोल रही है। हाँ, बाकी सब हम लोग जो जो सरकार बोले उस तरह रह रहे हैं, कर रहे हैं। कोरोना कितना जीवन को प्रभावित कर रखा है? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो देख रहे हैं इन लोगों पे पड़ रहा है। शनिवार रविवार लॉकडाउन पड़े होगा, इन लोग कहाँ से खाएंगे बताइए? छोटे जो व्यापारी हैं कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे तब? बिल्कुल, ये तमाम जो वो मुद्दे हैं लगातार हम पहले से आपसे बातचीत में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार लोग क्या चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, अगली बार फिर मुलाकात होगी दिल्ली के नए किस एरिया से, और करेंगे फिर इसी मुद्दे पर बात कि आखिरकार क्या है एक आम आदमी के निजी जीवन के हालात। नमस्कार।